और टॉपर में शामिल हैं। और इस बार मैट्रिक की परीक्षा में 3 स्टूडेंट्स ने दरअसल टॉप किया है। रोहतास की संदीप कुमार और सिमुलतला आवासीय विद्यालय की पूजा और शुभ दर्शनी ने भी टॉप किया है। रोहतास के रहने वाले संदीप अपनी कामयाबी पर कितने खुश हैं और आगे वो क्या करना चाहते हैं, उनसे जानने की कोशिश की संवाददाता अजीत ने। रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड के कुसही गांव के संदीप बिहार टॉपर हुए हैं। जैसे ही मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, इस गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। हमारे साथ है बिहार टॉपर संदीप, आइए हम बात करते हैं, कितनी खुशी है बाबू? बहुत खुश है सर। इसका श्रेय किसे देंगे आप? इसका श्रेय सबसे पहले अपने फूफा जी को देना चाहेंगे और उसके बाद अपने पेरेंट्स को, अपने विद्यालय और अपने कोचिंग संस्थान को देना चाहेंगे। तो कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है आगे के लिए आपने? सर, आगे चलकर मुझे एक इंजीनियर के रूप में देश की सेवा करना है। और किस विषय में आपको ज्यादा मन लगता है पढ़ने में? तो साइंस और मैथ को पढ़ने में हमको ज्यादा अच्छा लगता है। पढ़ाई के दौरान कोई आपको परेशानियां कुछ आई? सर, बीच में जो लॉकडाउन लगा था उसमें हम लोगों को बहुत परेशानी हुई, लेकिन मेरे फूफा जी मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया करते थे और रोज कम से कम 1 घंटे मुझ पर समय दिया करते थे और मेरे डाउट्स जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया करते थे। आपने कहीं कोचिंग भी ली है क्या? जी सर, मैं अपेक्स स्टडी सेंटर दिनारा संस्थान से कोचिंग 1 साल लिया। अपने स्कूल के जो आपके शिक्षक हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? मेरा स्कूल के शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं और मैं नियमित रूप से स्कूल का विद्यार्थी हूँ और स्कूल से भी शिक्षा ग्रहण करता था। संदीप, अपने दोस्तों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपने जूनियर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने क्लास में अच्छे से टीचर के द्वारा बताई हुई बातों को सुने और उनके नोट्स जो होते हैं उन पर ज़्यादा विश्वास करें। किताब से ज़्यादा नोट्स अधिक अच्छे से समझ में आते हैं और उनके मतलब उनसे तैयारी करके एग्जाम दें। और तो इस प्रकार संदीप का कहना है कि सफलता जो है वो ग्रामीण स्तर पर भी बेहतर पढ़ाई करके प्राप्त किया जा सकता है। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। और संदीप की चाहत है कि वो इंजीनियर बने। इधर मैट्रिक का रिजल्ट जारी होते ही हर जगह टॉपर्स के घर पर जश्न मनाया